अच्छा रवि बताइए, वो आखिरी सेकेंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, अचानक से तुमने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं जेको पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा है, ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर मिल सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता झाड़ता है तो? हाँ जी लेते हैं। देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी। देखिए हरियाणा का आदमी, उस आदमी यार औरत कोई भी हो वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है, ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, आप खिल करके हंस पड़ोगे क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है, मैंने इसको देखा है कि आप लोग। लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार ये क्या बात है वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस के पर बाद में अब ठीक है, पूछा जी हम अब ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है जी आगे भी होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो।